तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा हूँ आजकल। मेरे साथ में मतलब जो मेरी रियल लाइफ के बारे में और कुछ और भी डिस्कस मतलब कुछ बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कि जो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं 12th करके मतलब अभी मेरी 12th चल रही है, तो इस दौरान मैं गुरुकुल से आया हूँ। और आप भी ये सोचते होंगे कि गुरुकुल से कैसे आया, क्यों आया। तो मैं इसलिए आया हूँ कि मेरा जो ड्रीम है, मैं अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा जो ड्रीम है वो है वर्ल्ड घूमने का, और उसमें मैं जिस गुरुकुल से आया हूँ वो गुरुकुल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने ही कुछ अपने ड्रीम के कारण वहाँ से आया हूँ। क्योंकि वहाँ पे लोग बाग मतलब बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए मेहनत करके जाते हैं, और वहाँ से निकलना इतना बहुत बड़ा कदम उठाना है। तो मैं फिर भी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए ही आया हूँ। मेरा जो ड्रीम है, मैं वहाँ से पूरा शायद मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ से आप BA करके बाहर जाके फिर MA करोगे, या फिर संस्कृत से आप कोई टीचर बन सकते हो, और मुझे टीचर बनना या कोई टिकाऊ जॉब नहीं करनी है, ना ही मुझे सरकारी जॉब के झंझट में पड़ना है। मैं कभी एक जगह पे रुकना नहीं चाहता। और रही शादी वादी की बात, घर वाले भी कह रहे थे, लेकिन मैं शादी वादी कुछ नहीं, मैं बिल्कुल एकदम स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, फ्रीडम। मैं इस दुनिया को घूमना चाहता हूँ, मेरा जो ड्रीम है यही है। इसलिए मैं वहाँ से आया, और अब मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि थोड़ा मैं अपनी एजुकेशन के द्वारा ही जाऊँ बाहर। तो मैंने सोचा कि मैंने संस्कृत तो पढ़ी है 12th तक, और अब मैं योगा योगा को कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे सब्जेक्ट में योगा में इंटरेस्ट रखता हूँ। इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ वहाँ जाने के लिए। बट मेरे साथ में एक सिचुएशन चल रही है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। आपको पता ही है कि मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे रहते हैं, उन्हें अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, बड़ा कदम उठाने के लिए बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। और बहुतों के तो घर वाले भी, पेरेंट्स जो होते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते कि ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं करेगा, ऐसे वैसे बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और वो सपोर्ट भी नहीं करते हैं। बात ये है, सपोर्ट भी नहीं करते हैं, और सपोर्ट करते हैं तभी कुछ हो पाता है, नहीं तो कुछ होता ही नहीं है। टीवी देखते समय किसी के घर वाले या हर किसी के घर वाले सोचते भी होंगे कि ये जो लड़का टीवी में आ रहा है, काश हमारा बेटा भी ऐसा ही होता, और उसे लाइक कमेंट भी करते हैं, उसे सपोर्ट कर देते हैं, लाइक दे देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं किया जाता। अरे, अपने बच्चों को भी सपोर्ट करोगे, जो वो करना चाहता है तो वो करेगा। मुझे सबकी तरह शादी करके और अपना एक घर बसा करके, या फिर अपना एक ही जोन रहता है कि वहाँ नौकरी पे चले गए, आ गए, फैमिली के साथ में रह लिए, बस इतना जीवन इतना ही है क्या, या कभी घूमने के लिए चले गए। अरे, मैं दूसरों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं करना चाहता। मैं अपना दुनिया घूमना चाहता हूँ, मेरा ये सपना है, और इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे जो कदम उठाना पड़ेगा वो तो समय बताएगा, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। जैसे कि मैं इतने अच्छे गुरुकुल को छोड़ करके आया हूँ, मैं वहाँ से एक टीचिंग लाइन में ही जा सकता था, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अब
योग लाइन में ही निकलूँगा ताकि मैं उस माध्यम से विदेश में जा सकते हैं। और आप जैसा कि मुझे लगता है कि मैं मुझे इतनी ही नॉलेज है अभी, और मैं इसी माध्यम से बाहर निकलना चाहता हूँ और दुनिया घूमूंगा और व्लॉग्स बना बना कर आपको भी दिखाऊंगा। मैं अपनी रियलिटी बता रहा हूँ, जो मैं मतलब रियलिटी ही बता रहा हूँ और दिखाता रहूँगा कि रियल जो लोग दिखाते हैं बाद में कि मेरे साथ में ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैं अपना साथ के साथ में सारी योग लाइफ दिखाऊंगा आपको कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। बच्चा चाहता है कि मैं घर वालों के लिए इतना सामर्थ्यशाली बन जाऊं कि उनकी सपोर्ट के लिए मैं कुछ कर पाऊं और इतना मतलब इतना सामर्थ्यशाली हो जाऊं कि उनके दुख सुख में हेल्प कर सकूं। लेकिन ऐसा होता है कि बच्चा जो करना चाहता है, मतलब उठना चाहता है और जिस फील्ड में उठना चाहता है घर वाले मानते नहीं है, क्योंकि किसी के घर वाले कम पढ़े रहते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या बोल रहा है, कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, इसलिए वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और दूसरों के बच्चे पर विश्वास कर लेंगे लेकिन अपनों पर विश्वास नहीं कर सकते। पहले तो वो परमिशन मांगता है घर वालों से कि मुझे ये कहना है, वे मान जाते हैं तो चलो ठीक है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं मानते हैं तो उसे गलत कदम उठाना पड़ता है, फिर घर वाले उसे गलत समझने लगते हैं, पूरी ज़िंदगी भर के लिए वो घर वालों के लिए गलत ही हो जाता है। ये है आज की लाइफ। एक जीता जागता उदाहरण देता हूँ मैं आपको, पबजी तो आप जानते ही होंगे कि पबजी क्या है। पबजी एक गेम है और उसमें किसी के घर वाले ये नहीं कहते हैं कि, मैं भी इस चीज़ को अच्छा नहीं मानता कि ये सही है। बस मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप लगन देखिए, लगन जिस चीज़ को वो करना चाहता है, जिस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहता है। बहुत सारे तो बस फन के लिए खेलते हैं, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन जो इसी चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो अपने घर वालों से भी छुप करके उसमें मन लगाते हैं। ये चीज़ आप नोट कीजिए कि, और जब उसके घर वाले, मैं ये नहीं कहता कि आप उसके इस फील्ड में आप उसकी सपोर्ट कीजिए, वो तो आपके ऊपर है, मतलब मैं इस चीज़ को नहीं कहता। ये तो उदाहरण था एक फॉर एग्जांपल बस। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा जिस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहता है, जो वो करना चाहता है, उसमें वो छुप छुप कर भी एक एक जो टाइम मिलता है उसमें स्पेंड करता है। और जब उसे सपोर्ट प्राप्त होगी घर वालों की या फिर जो भी उसे सपोर्ट करेगा, तो वो तब क्या करेगा। अधिकतर बच्चे फिर अपने ड्रीम को प्राप्त कर लेते हैं इसी कारण कि उन्हें सपोर्ट मिलती है, लेकिन जिन्हें सपोर्ट नहीं मिलती वो क्या करेंगे। मैं व्लॉग्स बनाना चाह रहा था लेकिन मैं कुछ दिनों से नहीं बना पाया, क्योंकि सिचुएशन ही मेरी कुछ ऐसी चल रही है, मैं इसी कारण नहीं बना पाया। एक व्लॉग मेरा प्रैंक वीडियो वो भी पेंडिंग में पड़ी है, जो मैंने बताया था आपको एक बार कि लोगों से संस्कृत में बात करने पर उनका रिएक्शन क्या होगा, वो भी अभी तो कुछ पता नहीं मैं कब बनाऊंगा उसे, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बना पा रहा हूँ। घर वाले बच्चे पे विश्वास तब करते हैं कि जैसे वो कुछ हल्की सी भी कोई सफलता प्राप्त करता है ना किसी क्षेत्र में छुप छुप कर, या फिर जैसे कि जब मुझे घर वालों ने फ़ोन नहीं दिया था तो वे सोचते थे ये गलत है, इसे फ़ोन देना गलत है, लेकिन जब मैंने फ़ोन लिया फिर उसके बाद में स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भरा था। इतनी तो मुझे नॉलेज नहीं थी कि भरते कैसे हैं, लेकिन एक से पूछ करके मैंने अपने फ़ोन से भरा था और फिर मेरी स्कॉलरशिप आई थी 5,000 की। और फिर घर वाले बहुत खुश हुए थे कि सही किया हमने ऐसे फ़ोन दे करके। अरे सबके बच्चे अलग अलग होते हैं, सबका स्वभाव अलग होता है और हर गैजेट को यूज़ करने का कि आप मतलब बच्चे ठीक जगह यूज़ कर रहे हैं गलत जगह कर रहे हैं, तो सबके बात सब अलग अलग डिपेंड करता है ये चीज़। और फिर मेरे घर वाले खुश हुए थे कि हमने इसे अच्छा किया फ़ोन दे करके, लेकिन
बच्चे के ऊपर ना ट्रस्ट करना चाहिए कि ये जीवन में कुछ करना चाहता है तो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। ये यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए बनाया था कि मैं इसके ऊपर योगा की वीडियो डालता रहूँगा और मैं जब घूमूंगा देश दुनिया घूमूंगा और फिर आपको ब्लॉग्स दिखाता रहूँगा, क्योंकि ये भी कुछ मेरी जो इच्छा है, मेरी विषय उसी से जुड़ा हुआ है कि आपको मैं अपने साथ में घुमाऊं और दिखाता रहूं सब कुछ। मैंने कुछ अपनी वीडियो में इसमें व्लॉग में कुछ गलत बोल दिया हो या गलती से निकल गया हो तो सो काइंडली फॉरगिव मी। क्योंकि और एक दूसरी बात यह है कि मुझे ना अभी बोलने की थोड़ी आदत सी नहीं है, हैबिट सी नहीं है कि व्लॉग में कैसे बोलते हैं, तो मैं नया नया हूँ अभी, तो अंडरस्टैंड इट प्लीज़। मैं अपने जीवन से कुछ उम्मीद नहीं रखता, मैं अपने जीवन को बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ। बस मैं किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मैं अपना बस दुनिया जो है ना उसे देखना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ बस, वर्ल्ड वॉक और कुछ नहीं। फिर अपना देखेंगे शादी वादी के बारे में, अभी बिल्कुल 1% नहीं सोचता मैं। घर वालों से भी कह देता हूँ कि मेरी शादी मत करना भी, मैं इस चीज़ में अभी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। कहते हैं ना भैंस को खूंटे बांध देते हैं और उसका वही जोन रहता है कि वहीं पे घूमती रहती हो, मुझे खूंटे से नहीं पड़ना। क्योंकि जो स्तर होता है ना, एक आप जहाँ पर हो शादी से पहले ठीक हो, चलो आप सिंगल सही चल रहे हैं, लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी ना तो आप ऊपर नहीं उठोगे। कोई कोई होता है जो उठ जाता है, नहीं तो सब नीचे आते हैं फिर। इसलिए मेरे अनुसार, मतलब जो मेरा अनुभव है, मतलब देखा है मैंने ऐसा, मेरे कुछ अनुभव ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके अनुभवों से नहीं मेल खाते हो, लेकिन कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। इसलिए मैं इन चीज़ों से दूर रह करके मैं बस अपना ड्रीम पे ही फोकस रखूँगा, क्योंकि मुझे अपना ड्रीम ही पूरा करना है। मैं अपनी ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहता, और मैं अपने जीवन की एक एक परिस्थितियों को आपके साथ में शेयर करूँगा। मुझे घर वालों की सपोर्ट होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे भी कुछ कदम आप समझ ही सकते हैं। कुछ होते हैं कि अपने घर वालों को नहीं बताते, छुप छुप के करते हैं कि जो उनका सपना पूरा करना रहता है। कुछ है और जो बताते हैं घर वालों को मुझे ये करना है, घर वाले विश्वास नहीं करते हैं। फिर घर वाले कहते हैं नहीं इसे नहीं करना, ये करना है वो करना है, ये करो नहीं तू नहीं कर सकता, तुझे नहीं पता है, तू बड़ा है हमसे या हम बड़े हैं तुझसे। जनरेशन बदलती रहती है। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ अलग करना है तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है। जैसे कि अमित है एक यूट्यूबर, अमित YT करके उसका चैनल है, XYZ। अब उसने बेचारे ने रुड़की से IIT की थी, उसके बाद में उसने कुछ अलग करने की ठानी। वो उसे जॉब मिल रही थी लेकिन जॉब नहीं की, उसके बाद में उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। उसने भी कुछ अलग करने की सोची थी। और सौरभ जोशी को ले लो आप, उसके घर वाले उसे सपोर्ट ना करते और उसे व्लॉग्स बनाने के लिए मना करते तो क्या वो कर पाता? उसके घर वालों ने उसे सपोर्ट किया, लेकिन सपोर्ट भी किया था उस टाइम, उसे फ़ोन भी ला करके दिया था उसके पिताजी ने। और जब सपोर्ट नहीं करते, आपको भी पता है कि जब बच्चा बाहर निकलता है अपने पैरों पे तभी खड़ा होता है, और जो बच्चा करना चाहता है वो अपने घर वालों को बताता है और कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये जब सपोर्ट नहीं करते तो बच्चे को फिर कुछ तो ऐसे रहते हैं जो अपने घर वालों के सामने अपना जो ड्रीम होता है, मतलब करना चाहते हैं, उस खुशी को वे दबा लेते हैं और घर वालों की खुशी में अपनी खुशी समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं कि जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं लेकिन घर वाले उनकी एग्री नहीं होते,
उनके साथ में, और फिर उन्हें गलत कदम उठाना पड़ता है। और फिर उसके बाद में यदि पहले नहीं बताया कि हमें ये करना है और फिर कदम उठा दिया, फिर बाद में कहते हैं कि पहले क्यों नहीं बताया था हमें, तू ये करना चाहता है, हमें पहले क्यों नहीं बताया था, और बता भी देते हैं, उनसे परमिशन मांगते हैं, तो उसके बाद में फिर वे एग्री अगर नहीं होते तो फिर कदम उठा देते हैं गलत, या चले जाते हैं कहीं, फिर वो भी गलत है। लगाना पड़ता है फिर ना चाह करके, तो वो चीज़ लगन से कहाँ होती है। घर वाले नहीं, वो जिस काम को करना चाहता है और घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो लगन से करेगा, लेकिन उसी चीज़ में उसके घर वाले उसको सपोर्ट करेंगे तो वो कितनी लगन से करेगा उस काम को, लेकिन घर वाले समझते ही नहीं है। बच्चा जब बाहर निकलेगा तभी तो वो बाहर की माहौल को समझ पाएगा कि बाहर माहौल कैसा है। कुछ ऐसा ही रहता है कि बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्कूल से अपना ऐसे वैसे करके हो जाता है सेटल, क्योंकि वो अपना बाहर नहीं निकलना चाहता है। जिसका मन है वो बाहर निकल के कुछ करना चाहता है, जैसे कि मेरा, तो उसमें तो बाहर ही निकलना पड़ेगा। कब तक अपने घर में रहोगे, कब तक आप घर वालों के ऊपर ही डिपेंड रहोगे, घर वालों से आप बात नहीं कर सकते खुल के, थोड़ी शर्म सी भी आती है, और घर वालों को हम पूरा भी नहीं बता सकते, जब वे पूछते हैं तब बताते हैं, और थोड़ा गिल्टी सा महसूस होता है, मतलब कि कब तक हम घर वालों के ऊपर डिपेंड रहें। इसलिए ये मैंने आज अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने ये व्लॉग बनाया है, व्लॉग कह लीजिए या फिर कोई वीडियो। और मुझे भी अजीब लग रहा है कि मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, पता नहीं मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ, ये सही है या गलत है। लेकिन जब परिस्थितियाँ हो जाती हैं ना, तो आदमी का दिमाग ना, पता नहीं, बस आई डोंट नो। मुझे पता है कि मेरी इस वीडियो को मेरे रिश्तेदार भी देखेंगे, मेरे जानने वाले भी देखेंगे, लेकिन सब कोई मतलब सहायता नहीं करता है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, अपने जीवन में अकेला ही सरवाइव करना है। बस यही था जो आपको बताना था, कुछ शेयर करना चाहता था मैं आपसे, और मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ में, वो अपडेट अच्छी होती है या बुरी, मैं अपनी लाइफ को आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। ठीक है जी, ये लाइफ की जर्नी बहुत लंबी है, इसे बहुत अभी तो बहुत जीना है, और इस ड्रीम के लिए ही मैं इस ड्रीम के पीछे लगा रहूँगा, क्योंकि ये मुझे ड्रीम अपना पूरा करना है, इसी के लिए मैं जी रहा हूँ बस। अब मिलते हैं आपसे कभी नई वीडियो में। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ध्यान रखना अपना और अपनी फैमिली का। हेलो जी, धन्यवाद, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।